तो भाई का है आज सिक्स डे, और क्या नाम है भाई आपका? आदित्य चंद। कौन सा डे आज? छह दिन के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस कैसा है? बढ़िया है। लेवल बढ़िया है, मतलब वो जो ग्राफ ऊपर है, है ना? आज सीखेंगे हम सिक्स डे रिवर्स। रिवर्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है अपन को, कि जब बैक करते हैं हम कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, ठीक है? और क्या क्या चीज ध्यान रखना है, क्लच का कितना जो क्लच का जो ऑपरेटिंग होता है, हाफ क्लच में कितना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, सारी चीजें आज की वीडियो में हम सारी चीजें बताएंगे। कैसे हो आप लोग, आइए बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मेरे चैनल पे ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। और भाई का है आज सिक्स डे, छह दिन के अकॉर्डिंग भाई ने काफी अच्छा ड्राइव सीखा है, ड्राइविंग सीखी है। और भाई कहाँ रहते हो आप? अवधपुरी। अवधपुरी में तो रहते हो, और कहाँ से? वो तो पता है। और कहाँ से आए हो? जबलपुर से। याद था भाई, पता नहीं कहाँ से निकाला नंबर मेरा, तो जबलपुर से भाई आए सीखने मेरे पास कार, है ना? तो आज इनको सिखाने वाले रिवर्स। रिवर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अगल बगल का राइट और लेफ्ट का जजमेंट लगाना, बैक से पीछे का जजमेंट लगाना सबसे ज्यादा टफ है। और पीछे का जो कोई चीज है या फिर कोई इंसान आ रहा है, तो पीछे का कितना स्पेस है, हम कैसे जजमेंट लगाएंगे, आज की वीडियो में ये सारी चीज बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे न्यू वीडियो का अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सीखते टाइम हमें सबसे पहले अपने मिरर सेट करना है। ये वाला मिरर सेट करो, ऊपर वाला देखो अपना, ये वाला सेट अपने पीछे का बैक का पूरा दिखना चाहिए, ठीक है? सेट करो, दिख रहा पीछे का? राइट वाला मिरर और भी हम सेट है, देखो राइट वाला, लेफ्ट वाला, देखो इसे बोलते हैं ORVM, लेफ्ट राइट का इसे बोलते हैं IRVM, ठीक है? तो इन्हें अपने तरीके से सेट करना, पीछे ऐसा सेट करना है कि पीछे आधी गाड़ी दिखना चाहिए, आधा बाहर का भाग दिखना चाहिए, सेम इस तरफ भी सेम वही है, देखो ठीक है? और पलट के भी पीछे देखना है कि पीछे देखो, पलट के थोड़ा देखो, बॉडी को इतना मूव कर लो, पीछे भी देखना चाहिए, पीछे का जजमेंट कैसे करना है, ठीक है? अब हम रिवर्स गियर कैसे लगाएंगे, ये देखो रिवर्स होता है, ये लीवर होता है, अभी है सेकंड गियर में, सबसे पहले से न्यूट्रल करियो ये। अब यहाँ पे दिया हुआ है लीवर, देखो आप लोग भी देखो, यहाँ पे सेंटर पे है, हमें ये आर बना हुआ है। बहुत सी गाड़ियों में यहाँ फर्स्ट की जगह रहता है, जैसे कि रिनॉल्ट का हो गया, उसका क्या होता है लीवर उठा के, हुंडई की गाड़ियों में जहाँ फर्स्ट गियर लगता है वहाँ रिवर्स गियर लगता है, किया में भी वही सिस्टम है, MG में भी वही सिस्टम है। तो भी मारुति की गाड़ियाँ नॉर्मल गाड़ियों में सब सेम ऐसे ही होता है, जैसे अपना महिंद्रा की गाड़ियों में, काफी गाड़ियों में भी वैसे ही है कि किसी में लीवर उठा के इसको ऑटो में क्या होता है, दबा के नीचे जहाँ फर्स्ट लगता है वहाँ लगाते हैं, तो रिवर्स लगता है, ठीक है? और बहुत सी गाड़ियों में इसे लीवर को ऊपर उठाना पड़ता है, और जहाँ फर्स्ट लगता है वहीं पर ही रिवर्स लगता है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में मतलब सिक्स गियर होते हैं, तो आर की जगह उन्होंने सिक्स गियर दे दिया, रिवर्स यहाँ कर दिया, लेकिन मारुति की गाड़ी में हमेशा आपको यहीं पर रिवर्स मिलेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो रिवर्स कैसे करेंगे आप, यहाँ पे ये बना हुआ है, रिवर्स करो उस तरफ, करो पीछे, करो ये वापस न्यूट्रल लेना, तो जैसे गए थे वापस वैसे वापस लेना, ये फिफ्थ पहुँचा दिया भाई, फिर वापस रिवर्स लाओ, रिवर्स हाँ ये, फिर वापस लाओ ये, ठीक है? अब ध्यान रखना जजमेंट, हम स्टेयरिंग को कैसे जजमेंट करेंगे, देखो जब रिवर्स करते टाइम अगर राइट स्टेयरिंग घुमाएंगे तो बैक जजमेंट करोगे तो बैक समझ में आएगा, राइट तरफ जाएगी गाड़ी, ठीक है? लेफ्ट तरफ अपोजिट होती है, तो जजमेंट अपन सामने नहीं करना, ये फ्रंट का नहीं करना, फ्रंट से अपोजिट जाएगी, अगर राइट घुमाओगे गाड़ी तो बैक से सेम राइट तरफ जाएगी और फ्रंट से लेफ्ट जाएगी, तो जजमेंट किसको करना है, बैक साइड को, अपन बैक सीख रहे हैं, पीछे देखना कोई आ नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में कभी कोई नहीं बताएगा आपको कि कौन आ रहा कैसे आ रहा, कोई नहीं बताएगा, निकल जाएगा आपको, सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, जजमेंट भी करना, देखना भी है, रोकना भी है बार बार, ठीक है? तो अभी हम जजमेंट का देखेंगे, फिर पार्किंग से निकाल के रखना सिखाऊंगा, पार्किंग में बहुत धीरे धीरे निकाली जाती है गाड़ी, ठीक है? तो अब रिवर्स लगाओ। अब रिवर्स करते टाइम एक चीज़ बहुत अच्छी ध्यान रखना है, रिवर्स करते टाइम क्लच को फुल नहीं रिलीज करना है, कितना करना, हाफ, वाइब्रेशन मोड पे होना चाहिए कभी भी रिवर्स, ठीक है? कभी भी चाहे कितना बड़ा रिवर्स हो, कितनी दूर, फुल क्लच बिल्कुल रिवर्स नहीं करना, फुल क्लच में रिलीज नहीं करना, ठीक है? अब क्लच को रिलीज करो, धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ो, ब्रेक को छोड़ देना, ठीक है? छोड़ दिया क्लच, धीरे धीरे ये जा रही गाड़ी, बंद हुई गाड़ी, ठीक है? फिर से रिलीज करो, करो स्टार्ट, आपने क्लच जल्दी छोड़ दिया, स्लिप हो गई है, ठीक है? छोड़ो क्लच हाफ में, छोड़ते जाओ, थोड़े से हाफ अब छोड़ते जाओ, ये जा रही गाड़ी, जा रही है, फुल नहीं छूटा, ठीक है? पलट के देखो पीछे, इधर देखो पलट के पीछे, ये स्पीड बिल्कुल नहीं देना, स्पीड से पैर पूरा हटा देना, ठीक है? देखो राइट घुमाने में गाड़ी राइट जाती, घुमाओ राइट, ये घुमाओ राइट, ये घूम रही गाड़ी, देखो बैक से राइट जा रही, जा रही है, लेफ्ट घुमाओ, घुमाओ लेफ्ट, ये बैक से लेफ्ट जा रही है, पीछे देखो पलट के पीछे, थोड़ा बॉडी को पीछे करो, ये जा रही गाड़ी, जा रही है, जाने दो, घुमाते जाओ, मिरर्स यूज करो अगल बगल के दोनों तरफ,
ठीक है, IRBMB यूज करते जाओ, बैक देखते जाओ, ये जा रही गाड़ी, ठीक है। और सीधा करेंगे कैसे, जितने बार घुमाया सीधा करो, दो बार में, एक ये दो, ठीक है। देखो बैक पीछे पलट के देखो, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये सीधा करते टाइम या टर्न करते टाइम कभी भी स्टेयरिंग नहीं देखा जाता, अभी भी स्टेयरिंग देख रहे थे आप, ठीक है। फिर लेफ्ट घुमाओ, घुमाओ लेफ्ट, पीछे देखो पलट के थोड़ा सा, इधर देखो IRBM वगैरह में, घुमाते जाओ घुमाते जाओ, ये जा रही गाड़ी, ठीक है। गाड़ी कब सीधी होगी ध्यान रखिएगा, ठीक है, रोड पे आने पे तुरंत सीधा करना है, ये करो सीधा, एक ये देखो स्टेयरिंग देखने लगे, सबसे बड़ा फॉल्ट है आपका ये, एक्सीडेंट करोगे इससे, 100% एक्सीडेंट होगा। अगर आप स्टेयरिंग देख कर आप जजमेंट लगा रहे हैं ना लेफ्ट राइट का, तो स्टेयरिंग पीछे से टक्कर होगी तो होगी, ठीक है, ध्यान रखिए। पूरी गाड़ी में कभी घुमा राइट, पूरी गाड़ी में कभी स्टेयरिंग, फिर देख रहे हो, देखो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, सब चीज़ें हैं ये, ठीक है, आप देख रहे हो, ठीक है। स्टेयरिंग को मत देखो, देखो पत्थर में नीचे आ गई गाड़ी शायद, ये करो सीधा फटाक जल्दी, सीधा करो सीधा करो सीधा करो, जितना घुमाया था सीधा करो, इधर देखो पीछे देखो पलट के देखो कहाँ जा रही गाड़ी, तिरछी जा रही है, इधर देखो पलट के, ये ठीक है, सीधा करते जाओ, ये फिर लेफ्ट घुमाओ फटाक से पूरा फुल घुमाओ लेफ्ट, पीछे देखते जाओ, पीछे देखो पलट के थोड़ा पीछे देखो भाई, सीधा करते ना घुमाते जाओ, पीछे देखो पीछे देखो आप, पीछे देखो कंटिन्यू आप फिलहाल, ठीक है, ये देखो गाड़ी जा रही है, अभी आगे नहीं देखना, करो सीधा, एक ये दो, आगे नहीं देखना, ठीक है, ये सीधी हो गई, देखो आगे देखने से जजमेंट सीख नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब सीखना हमें पार्किंग से बाहर निकालना है, ठीक है, पार्किंग में रखेंगे और बाहर निकालेंगे, ये पार्किंग है यहाँ पर देखो, ये स्कूल की, ठीक है, तो फर्स्ट गियर लगाए अपन, और हमेशा हाफ क्लच में रहेगा, फर्स्ट गियर लगाओ भाई, थर्ड गियर लगा के रखे हो, हाफ क्लच में रहेगा पार्किंग हमेशा, पूरा क्लच छोड़ना ही नहीं, ठीक है, छोड़ो धीरे क्लच हल्का हाफ वाइब्रेशन पे, चल रहे हो तो धीरे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, बंद हो गई गाड़ी आपकी, क्लच जल्दी छोड़ जाए, आप थोड़ा हील्स में तो एक्सीलेटर भी ले सकते हो, करो स्टार्ट क्लच दबा के ब्रेक दबा के, ये करो स्टार्ट, अभी क्लच को वाइब्रेशन मोड पे लेना, ब्रेक मत छोड़ना, गाड़ी चढ़ाई पे है, ब्रेक दबा के रहना, क्लच को वाइब्रेशन मोड पे लेना, ये अब ब्रेक छोड़ के स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, क्लच वहीं रहेगा हाफ ही, क्लच नहीं छूटेगा, धीरे 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 भाई, इतना तेज नहीं, पहाड़ में नहीं चढ़ा रहे अपन, कर ले सीधा फटाफट सीधा करो, कहाँ जा रही गाड़ी, ये कितने बार घुमा रहा है ये ध्यान रखना, ठीक है, चलने दो, ये पार्किंग में देखिए वॉल देखना बंद हो जाओ, गाड़ी रोक देना, चलने दो अभी, चलने दो, स्टॉप करो, ये बंद हो गई, ठीक है, नहीं दिख रही ना, अब ध्यान देना है, जैसे पार्किंग ये घर के अंदर की पार्किंग है, अब निकालना है तो मिरर्स यूज और IRBM सिर्फ यही यूज करना है, और गाड़ी को बहुत धीरे धीरे निकालना है, बार बार रुकेगी फिर जाएगी पीछे, फिर रुकेगी फिर जाएगी, घर की पार्किंग से ऐसे निकालते हैं, और जो पेड़ लगे हुए वो पिल्लर है समझ लो, पीछे पेड़ लगे होंगे देखो वहाँ पे, ठीक है ना, एक पेड़ ये लगा है यहाँ तक भी धीरे धीरे निकलेगी, फिर गाड़ी घूमेंगी, ठीक है, तो जाने दो धीरे धीरे हल्का हल्का, क्लच को बहुत शार्प रखना, रिवर्स लगाओ, जी जाने दो पीछे धीरे धीरे हल्का हल्का, ब्रेक छोड़ो, एक्सीलेटर की नीड नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, ये स्टॉप करो, फिर से क्लच दबा के ब्रेक, बहुत बहुत तेज निकली, स्टॉप करो स्टॉप करो भाई स्टॉप करो, ऐसे निकलोगे ना तो पीछे दोगे भड़ाम, कभी भी घर से, घर में इतना जगह रहती है पार्किंग की, बताओ न्यू श्राम पर्सन पर जगह है क्या इतनी, पीछे कॉलोनी है देखो भड़ाम से, थोड़ा सा निकालना फिर रोकना, फिर निकालना फिर रोकना, जान दो पीछे, ब्रेक छोड़ो, ये हो गई, आपने क्लच छोड़ा, ब्रेक नहीं छोड़ना है, करो स्टार्ट फिर से क्लच दबा के, हाँ जान दो पीछे धीरे धीरे, ब्रेक छोड़ो पहले, जाने दो, IRBM देखते रहने, स्टॉप करो स्टॉप करो स्टॉप करो भैया, मेरे को तुरंत स्टॉप चाहिए, इतनी देर में समय नहीं, क्लच दबा के ब्रेक लगेगा हमेशा, क्लच दबाओ, स्टॉप करते रहना, तुरंत क्लच दबाना चाहिए, तुरंत ब्रेक लगना चाहिए, फिर पीछे जान दो, ब्रेक पैर रखे रहो, स्टॉप करो स्टॉप करो, हाँ फिर जान, इतना तेज नहीं, आराम से, फिर जान दो पीछे, स्टॉप करो, कोई आ गया पीछे, स्टॉप करो, दो बार में एक बार ज़्यादा गई है, एक ही बार में स्टॉप होनी चाहिए, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है भाई, स्टॉप लेट कर रहे हो आप, फिर जान दो पीछे, बगल में देखो, अलग बगल कोई है तो नहीं है, स्टॉप करो, अब पता चल गया ना आपको खुद से स्टॉप करना है, सिर्फ मेरे बोलने का वेट नहीं करना, ठीक है, जान दो, स्टॉप करो भैया, क्लच जल्दी छूट रहा आपका, तेज जा रही गाड़ी, क्लच को और धीरे करो, इतना करो कि एकदम से गाड़ी नहीं उठना चाहिए, तो ब्रेक लगाएंगे तो क्लच पूरा, पहले क्लच को कम छोड़ो ना, क्लच ज्यादा छोड़ रहे हो आप,
छोड़ो क्लच, सिर्फ बस स्टॉप करो, ये क्लच को कम छोड़ो, चलने दो, स्टॉप करो, जाने दो पीछे, हाँ ये आया सही, स्टॉप करो, ये आया, थोड़े ब्रेक और स्मूथ करो, जाने दो, पीछे पलट के देखना, थोड़ा सा अगल बगल मिरर से देखना, स्टॉप करो, अब ये थोड़ा लास्ट में तेज निकली गाड़ी, फिर जाने दो, इससे भी धीरे होने चाहिए, स्टॉप 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 स्टॉप, इससे भी धीरे करो। ये भीड़ भाड़ा मार्केट देखा कभी? कितना खतरनाक होता है, फिर क्या करोगे वहाँ पे, इतना तेज चल जाएगा, नहीं चल पाएगा, जाने दो पीछे, स्टॉप करो, जाने दो पीछे, स्टॉप करो, जाने दो पीछे, ये बराबर देखो पिलर के बराबर आ गई गाड़ी, देखो आ गई ना, स्टॉप करो, घुमाओ राइट तरफ पूरा फुल, राइट घुमाओ फटाफट पूरा फुल, ये अब धीरे जाने दो पीछे आराम से, धीरे धीरे हल्का हल्का, स्टॉप करो, ये बंद हो गई गाड़ी, करो स्टार्ट, जाने दो पीछे धीरे, स्टॉप करो, ये जाने दो, स्टॉप करो, जाने दो, स्टॉप करो, हाँ जाने दो फिर पीछे, धीरे 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 स्टॉप करो, ये जाने दो धीरे धीरे, फिर स्टॉप करो, फिर जाने दो पीछे धीरे धीरे, ऐसे इस तरीके से गाड़ी को निकालना होता है। देखो एकदम फिर वही गलती आपने करी, स्टॉप हो नहीं रही गाड़ी, यार एक बार में गाड़ी नहीं निकलती, बता तो रहे हैं हम आपको, जान दो पीछे, गाड़ी जैसे सीधी होगी तुरंत सीधा करना, बंद हो गई गाड़ी, करो स्टार्ट, फेल हो रहे हो मतलब तुम, ठीक है बंद हो रही मतलब फेल हो रहे हो, चलने दो, गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, चलने दो चलने दो, करो सीधा फटाक जल्दी दो बार में, जान दो, हाँ करो सीधा दो बार में, फिर बंद हो गई गाड़ी, क्लच बोले बहुत जल्दी छूट रहा है आपका, क्लच बहुत जल्दी छूट रहा है, क्लच 1% भी ठीक नहीं है, क्या करना बताओ, करो स्टार्ट, जान दो पीछे, करो सीधा दो बार में, जल्दी करो सीधा, एक बार और करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो, इतनी में भिड़ जाएगी, फिर लाओ फर्स्ट गियर, फिर वापस रखो वहीं पर ही, छोड़ दे जाओ क्लच धीरे धीरे, वहीं पर रखो वापस पार्किंग में, जल्दी लगाओ फटाफट, सिर्फ क्लच और ब्रेक का खेल है, क्लच को बहुत स्मूथ रखना है और ब्रेक को नॉर्मल रखना है, करो ले सीधा प्लेन जगह में, अगर आप सपोज करो चढ़ाई बढ़ाई में कर रहे हैं रिवर्स ना, तब आपको एक्सीलेटर भी लगेगा, स्टॉप करो, लगाओ रिवर्स गियर, ये जाने दो, उधर नहीं जाएगी गाड़ी, सीधा कर, पहले सीधा निकलेगी गाड़ी, बढ़ाओ जाने दो, पत्थर में गाड़ी थोड़ा स्पीड ले लो, ये बंद हो गई गाड़ी, करो स्टार्ट, भाई कितना बंद करोगे गाड़ी यार, ये तो चलो बढ़ाओ धीरे, हल्का स्पीड ले लेना साथ साथ में, पत्थर में गाड़ी, पत्थर में चढ़ी हुई है, बढ़ाओ स्पीड, क्लच छोड़ दिया साथ साथ में, ये बस बस बस, स्टॉप करो, स्टॉप करो, जाने दो पीछे, अब लेफ्ट तरफ जाना है, ठीक है जाने दो, जाने दो जाने दो, लेफ्ट तरफ जाना है, लेफ्ट तरफ, पहले सीधे निकली गाड़ी, सीधे निकालो, क्लच ब्रेक दबाओ बार बार, रोको क्लच ब्रेक से, रोको स्टॉप करो क्लच ब्रेक से, पूरा क्लच दबाया करो, हाँ फिर जान दो पीछे, स्टॉप करो, फिर जान दो पीछे, स्टॉप करो, जान दो पीछे, स्टॉप करो, फिर जान दो पीछे, हारे समझ में, सो गाइस स्टॉप करो, घुमाओ लेफ्ट तरफ, घुमाओ पूरा लेफ्ट फुल फुल, ये देखो क्लच छोड़ दिया आपने 1 सेकंड में, क्लच बहुत जल्दी उठ रहा है आपका भाई, क्लच को कंट्रोल कर लो वरना दिक्कत हो जाएगी रिवर्स करने में आपको, बिना क्लच दबाए स्टार्ट कर रहे हो आप, सोचो स्टार्ट किए, ये सो गाइस कुछ इस तरह के आप पार्किंग से बाहर निकाल सकते हो, और जो बैक जो जजमेंट है लेफ्ट राइट का, IRVM का, ORVM का, तो इस तरीके से आप जजमेंट कर सकते हैं रिवर्स में। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू टिप्स लेकर, जय हिंद।